दोस्तों इंडियन रेलवेज एशिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के रूप में जाना जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो एक ही मैनेजमेंट के अंतर्गत चलाया जाता है। दोस्तों रेलवेज के लिए हमारे देश में 1,15,000 किलोमीटर के ट्रैक बनाए जा चुके हैं और हर दिन करीब 12,617 ट्रेन्स चलती हैं। दोस्तों लगभग देश के सभी लोग ट्रेन में सफर कर चुके होंगे, तभी तो लगभग 23 लाख यात्री हर दिन ट्रेन्स में सफर करते हैं। और हमें ये भी पता है कि आपने भी कभी ना कभी ट्रेन में सफर किया ही होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप ये बता सकते हैं कि ट्रेन की लास्ट बोगी पर बने क्रॉस के निशान का मतलब क्या होता है, या फिर ट्रेन के इंजन का वजन कितना होता है, या ट्रेन की पटरियों के बीच पत्थर क्यों बिछाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये बातें नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं अनोखी जानकारियों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर में हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बना सकें। दोस्तों आप जब कभी भी किसी ट्रेन को देखते होंगे तो उसके पीछे वाली बोगी में एक क्रॉस का निशान बना होता है। दोस्तों वो निशान इसलिए बनाया जाता है ताकि ये पता किया जा सके कि पूरी की पूरी ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंची है या नहीं, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि सभी बोगियां आपस में जुड़ी होती हैं और हमने ऐसी कई सारी घटनाओं के बारे में सुना है जिसमें बोगियां ट्रेन से निकलकर अलग हो जाती हैं, जिस वजह से बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसी बात का पता करने के लिए ट्रेन की लास्ट बोगी पर क्रॉस का निशान बनाया जाता है ताकि अगर कहीं कोई बोगी ट्रेन से निकल गई हो तो जिस रास्ते से वो ट्रेन आ रही थी उस रास्ते में किसी भी ट्रेन को न जाने दिया जाए ताकि हादसा टल सके। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं जिस आखिरी बोगी पर क्रॉस का निशान बना होता है वहीं पर नीचे एक लैंप भी लगा होता है। दोस्तों ये लैंप इसलिए लगाया जाता है ताकि रात के समय जब अंधेरे की वजह से ये क्रॉस का निशान न दिखे तो जलते हुए लैंप से पता लगाया जा सके कि ट्रेन का कोई भी डिब्बा ट्रेन से छूटा नहीं है और पूरी की पूरी ट्रेन चल रही है। हम आपको बता दें कि पहले के समय में ये लैंप तेल से जलाया जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की वजह से ये लैंप इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। दोस्तों आप लोगों ने लास्ट बोगी पर LV के निशान वाला बोर्ड भी देखा होगा। इस LV का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, मतलब कि ये ट्रेन का लास्ट डब्बा है। दोस्तों LV का निशान भी इस बात का सबूत होता है कि ट्रेन पूरी की पूरी चल रही है और इसमें कोई भी डब्बा अलग नहीं हुआ। दोस्तों ट्रेन को चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसके इंजन की होती है क्योंकि इंजन की मदद से पूरी ट्रेन को चलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ट्रेन के इंजन का वजन कितना होता है? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि ट्रेन के इंजन का वजन 1,96,000 किलोग्राम होता है। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि इतनी लंबी और भारी ट्रेन को इतने भारी इंजन के द्वारा ही चलाया जाता है। दोस्तों जब आप रेल की पटरियों पर बिछे पत्थरों को देखते होंगे तो आपके मन में सवाल आता होगा कि इन पत्थरों को क्यों बिछाया जाता है। तो दोस्तों आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि रेल की पटरियों पर छोटे छोटे पत्थरों को बिछाने का एक वैज्ञानिक कारण है। दोस्तों शुरुआती दौर में पटरियों के निर्माण के वक्त स्टील और लकड़ियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज के समय में लकड़ी के पटरियों की जगह सीमेंट की सिल्लियों का इस्तेमाल होता है। पटरियों पर छोटे छोटे पत्थर बिछाने का उद्देश्य सीमेंट की सिल्लियों और लकड़ी के पत्थरों को अपने स्थान पर स्थिर रखना है ताकि ये सिल्लियां रेलवे के ट्रैक को मजबूती से पकड़े रहें। असल में जब ट्रेन चलती है तो जमीन और पटरियों के बीच कंपन पैदा होता है और दोस्तों तेज धूप में पटरियां फैलती है और सर्दियों के समय सिकुड़ती हैं, जिस कारण ट्रेन का पूरा भार लकड़ी या सीमेंट की सिल्लियों पर आ जाता है, लेकिन पटरियों के बीच पत्थर बिछे होने के कारण सारा भार पत्थरों पर चला जाता है। दोस्तों रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने से बारिश का पानी भी आसानी से बह जाता है और पटरियों पर भरता भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों रेल की पटरियों के बीच पत्थर बिछाने से साउंड पोल्यूशन से भी बचाव होता है। दोस्तों ये थे भारतीय रेल के कुछ रोचक तथ्य। हमें यकीन है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर वीडियो का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।